उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर पिछले दो शुक्रवारों से हो रही हिंसा को देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। वहीं जनपद जालौन में विभिन्न स्थानों पर प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में बलवा मॉक ड्रिल पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। बता दें कि जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारियां की हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। मैं कहना चाहूँगा कि आज ईद मौलूद है, त्योहार का दिन है, हमारे नौजवान बुजुर्ग बच्चे आए और स्कूल के साथ शांति के साथ नमाज अदा करें और अमन चैन की दुआ मांगे, हमारा मुल्क चल रहे, ये बदमस्ती और ये परेशान का दौर खत्म हो और सुकून के साथ नमाज अदा करने के बाद आप जरा कहीं खुशी बंद का देखिए, कल जुमा की नमाज के लिए हमारी तरफ से काफ़ी व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। शांति समितियों की बैठक थाने स्तर पर कर ली गई है और आज शाम को जनपद स्तर पर भी बुलाई गई है, जहां पे मेरे द्वारा और डीएम मैडम के द्वारा संयुक्त रूप से सभी लोगों से वार्ता की जाएगी। कुछ अन्य भी जो इस तरह के लोग हैं उनसे भी अलग अलग वार्ता भी की गई है। थाने स्तर पर, सर्किल स्तर पर, एडिशनल एसपी के स्तर पर और मेरे स्तर पर सभी लोगों से संवाद निरंतर जारी है। उपद्रवी तत्वों पे भी नज़र रखी जा रही है, उसकी उनकी सभी तरह से फिजिकल टेक्निकल सभी तरह से। नमस्कार, आज जुमा यानी कि प्रयागराज, कानपुर और सहारनपुर यानी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हिंसा के बाद आज की जुमे को लेकर प्रशासनिक तैयारियाँ चाक चौबंद दिखाई दी। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने भी कुछ कमर कस ली है और उसको लेकर आज हम जनपद जालौन की, अगर जालौन नगर क्षेत्र की बात करें तो हम तकिया मैदान पर खड़े हैं और तकिया मैदान पे ये हमारे पीछे बड़ी मस्जिद है, ये वही इलाका है जहाँ पर पिछले जुमे को कुछ लोगों ने अपने विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय को ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन के बाद लगभग 150 लोग अज्ञात और 5 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। लेकिन आज तीसरे जुमे को लेकर प्रशासनिक तैयारियाँ बिल्कुल चार चौबंद दिखाई दे रही है और तकिया मैदान पर जिला प्रशासन द्वारा कैमरे लगाए गए, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उसकी मॉनिटरिंग खुद जिला प्रशासन करेगा। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पीछे पूरे जुम्मा है, वहाँ पर जो है कैमरे लगाए जा रहे हैं और इसका मॉनिटरिंग जो है जिला प्रशासन का हाथ रहेगा। किसी भी स्थिति के लिए दो दिन पहले से जो है पूर्वाभ्यास भी किया जाए और बलवा मॉक ड्रिल नियंत्रण का जो रिहर्सल है वो भी किया जाए, उसका जालौन के विभिन्न स्थानों से ये बलवा मॉक ड्रिल का रिहर्सल भी किया जाए। यानी कि देर रात पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर रवि कुमार और नवागंज जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने भी लोगों से अपील की है कि कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी स्थिति में निपटने के लिए प्रशासन तैयार करें। हमने जब मुस्लिम धर्म लोगों से बात की तो उन्होंने एक संदेश दिया कि आज जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जाए, अमन चैन बनाया जाए और किसी के बहका भी न आए। अब देखना यह है कि आज जुमे के बाद क्या रिपोर्ट निकलता है या क्या रिपोर्ट सामने आती है।